कुछ खिलाया। क्या नाम उनका? अरबाज आजाद बंटी। उनने मुझे कुछ खिलाया, मैं बेहोश हो गई। वो मुझे झांसी तक ले गए, वहाँ से दिल्ली ले गए। तो मुझे तीनों कमरे में रखते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी निर्दयी हो सकती है ये आप जान लीजिए। ये घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी थाने के गोहरारी गांव की है। एक 16 साल की नाबालिग बिटिया जिसका गांव पवा है, वो पवा से अपने मामा के गांव गोहरारी जाती है। वहां पर तीन अलग समुदाय के लोग उस लड़की को अगवा करते हैं, अगवा करके उसे झांसी फिर दिल्ली ले जाते हैं। और जब उस लड़की के माता पिता चरखारी थाने में दरोगा जी के सामने जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, तो दरोगा जी रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं। तब वो चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत जी के पास जाते हैं। उनके दखल के बाद FIR लिखी जाती है और उन तीन लड़कों को पकड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं उस नाबालिग बिटिया ने क्या कहा और उसके माता पिता ने क्या कहा। मुझे कुछ खिलाया। क्या नाम उनका? अरबाज आजाद बंटी। उनने मुझे कुछ खिलाया, मैं बेहोश हो गई। वो मुझे झांसी तक ले गए, वहाँ से दिल्ली ले गए। तो मुझे तीनों कमरे में रखते थे। क्या नाम है? राजू नाम है जी। कहाँ से हैं? ग्राम पवा। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ ये हुआ कि हमारी पत्नी बच्चे हम लोग सब गोरारी गए थे। गोरारी में क्या है? गोरारी में ससुराल है मेरी घरवाली का, मायका, ठीक है। बच्ची मामा के पास थी, हम लोग वहीं थे। तो मुसलमान पास में रहते हमारे, उन लोगों ने पताद खिलाया रात में बच्ची को, ठीक है। बच्ची को रात में पता नहीं चला कितने टाइम बच्ची को उठा के ले गए। जब हमें सूचना पड़ी तो हम लोग माने चलो चरखारी थाने चौकी में गए गोरारी में, तो वहाँ हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। फिर हम दादाजी विधायक जी कहाँ गए, तो हम लोगों ने कहा, तो उन्होंने रिपोर्ट भी हमारी लिखवाई। इसके बाद रिपोर्ट न लिखने के बाद दोबारा रिपोर्ट लिखवाने गए, तो रिपोर्ट लिखी, लड़की हमारी उन्होंने बरामद करवाई विधायक जी ने। तो विधायक जी ने रिपोर्ट हमारी लड़की बरामद करवाई। इसके बाद विधायक जी का धन्यवाद आशीर्वाद है माने हमारे साथ, ये उन्होंने बहुत हमारे अच्छी तरह काम करा हमारा माने चाहे उन्होंने। विधायक जी ऐसा होना चाहिए, हमारे माने चाहे सब कुछ सहयोग थे हमारा, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। क्या नाम है आपका? विमली। कहाँ से हैं? पवा। क्या हुआ आपके साथ में? हमारे साथ में घटना हुई, मैं लड़की के लेके और मायके गई थी साथ में बच्चे के लेके, तो वहाँ जाके दो तीन मुसलमान लड़के मिले। तो मेरी लड़की को नशा करके किसी में नशा दवा मिला के मेरी लड़की को ले गए साथ में भगा के। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम गए थाने, थाने में हमारी FIR लिखी नहीं गई। किसने सहयोग किया आपका? तो हमें विधायक जी के साथ गए हम। फिर विधायक जी ने सहयोग किया आपका? हाँ। मुकदमा लग गया? हाँ। यूं ही हमेशा जनता का राज देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। और हमारी खबरें पसंद आती हैं तो यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिए, और इंस्टा पर हैं तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।